खबर मोगा से, जहां पर दो लूट की वारदात सामने आई है। गांव धुनिकी के खोसा पांडरी में जा रहे मोटरसाइकिल सवार से लूटपाट और मारपीट कर नकाबपोश फरार हो गए। वहीं दूसरी घटना मलाड़ शाह रोड पर हुई है, जहां दोनों व्यक्तियों को मोगा सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मैं जब काम से आया घर पे तो मेरा को पता लग गया कि मेरे साले के सट्टा बजियाँ थे। मैं पूछा ये मेरा साला है रमेश कुमार, यदि बहुत सारी सट्टियाँ बजियाँ सी गया तो उठे गया थे, सारे मेरे रिश्तेदार रोन लग गए तो सिविल हॉस्पिटल लेके आए। बाद से मैं बच के आया, बाद से पता लग गया कि वो तीन चोर सी के मोटरसाइकिल थे। मैं आ रहा था कहाँ से, बाबा मल्ला साहब के डेरे बजे थे, बाबा मल्ला साहब ने उसे डेरा है उसे। मैं आ रहा था कसी कसी, मैं जो नेड़े आ गया उसे मैं पता नहीं लगे, पिछे देखे उन्होंने राट मारी आ गए, नेड़े आ गया था घर दे। मैं दो केसेज आए साढ़े को, एक 28 से आया, एक 45 से आया, दोनों ही स्नैचिंग के केस से। पहला एक बंदे के सिर पर रॉड मारी गई है और एक बंदे के हाथ से मारी गई, जिसे दोनों पेशेंट स्नैचिंग साढ़े को आए हुए हैं। मैं जी ड्यूटी जा रहा सीगा दुन्ने के रोड तो खुबसा पांडव जी, मैं मास्टर गार्ड कंपनी जॉब करता वहाँ, तो अपने की कहते उत्थे फिर रस्ते उजाड़ जो खेतों के तीन जने मोटरसाइकिल, एक ने मूँह लपेटा हुआ सो मूहरे चलाई जाते।